हम लोग यहाँ पे पवित्र आश्रम में आते हैं और सुबह 4 बजे से माला जप, मंत्र जप और भजन, संध्या, संकीर्तन ये जो करते हैं, इसमें बहुत 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 लाभ है। मीन्स मन को शांति मिलती है, कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। आजकल लड़के लड़कियाँ वैलेंटाइन 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे मनाते हैं, पर हमारे गुरुजी ने बताया है 14 फरवरी मतलब मातृ पितृ पूजन दिवस। इससे हमारी संस्कृति का हम मान रख सकते हैं। हम यहाँ अनुष्ठान करने आए हैं, हम लोग को यहाँ 4 साल हो गया आते। अभी तो बहुत कुप्रचार इतना किया है कि बापूजी को सब जानते हैं, लेकिन जब बापूजी का सच्चाई बाहर आएगा तब पूरी दुनिया बापूजी को जानेगी और तब वो बोलेगी कि नहीं, बापूजी के साधक सच्चे हैं और मीडिया झूठी है, मीडिया कभी सच नहीं बोलती। यहाँ की जो न्यायपालिका है वो भी बापूजी की सच्चाई को देख नहीं पा रही है। अगर किसी को दिव्य प्रेरणा प्रकाश को पढ़ने से मेरा जीवन है जो सारा जीवन मेरा बदल गया और जितने भी सारी गंदी आदत थी सारी छूट गई। आज मैं पूर्णतः रूप से सात्विक हो गया। बापू समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं, समाज को अपना पूरा जीवन दे डाला बापू ने और समाज को बहुत उपकार किए हैं बापू ने। जो बच्चा प्रार्थना नहीं जानता था वो बच्चों को प्रार्थना करने के लिए चाहे जप ध्यान जो भी सिखाते हैं बापू जी का, जो विद्यार्थी शिविर होता है, अभी यहाँ मैं शिविर में आया हुआ हूँ, शिविर में मुझे अनुपम लाभ हो रहा है।